खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां बृहस्पतिवार को चौधरी बिहारी सिंह त्यागी कन्या इंटर कॉलेज रेहरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर अभियान को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गव वंशी फीता काटकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। छात्राओं ने बैंडबाजों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ भाजपा विधायक ने फीता काटकर किया। आज़ादी का कार्यक्रम अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर मेधावी छात्राओं को साइकिल देकर सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अमरोहा में हर जगह कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं बैंड बाजों के साथ तो कहीं डीजे के साथ, जिसमें अपने देश के प्रति स्नेह और अपने तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए छात्राओं ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। और इसी के साथ त्रिवेणी सुगमिल चंदनपुर के उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा ने 10,000 की धनराशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर कार्यक्रम समारोह में पहुंचे भाजपा विधायक और त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर के उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा का स्कूल परिवार ने नोटों का हार पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। इस मौके सुमन त्यागी, डायरेक्टर ब्रह्मदत्त सिंह त्यागी, त्रिवेणी शुगर मिल उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा, सुरेंद्र त्यागी, प्रधानाचार्य अनीता शर्मा, कॉलेज मैनेजमेंट आस्था त्यागी, मास्टर जयपाल सिंह, अमरजीत सिंह, महेश त्यागी आदि स्टाफ मौजूद रहा। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज विद्यालय द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्राओं को सम्मानित किया गया। जो छात्र और छात्राएं प्रति वर्ष हाई स्कूल और इंटर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आती हैं, उनको साइकिल देकर के सम्मानित किया जाता है। विद्यालय की जब से स्थापना हुई है 2013 से लेकर 2022 तक, हम लगातार 6 बालिकाओं को साइकिल वितरित करते हैं। आज भी वह मेधावी छात्राओं का साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के माननीय विधायक श्री महेंद्र सिंह भगवंशी जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में त्रिवेणी शुगर मिल के उपाध्यक्ष श्री आमोद कुमार शर्मा जी रहे। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया गया तथा उसी के उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा भी विद्यालय से निकाली गई, जो रेहरा में घूम करके पुनः विद्यालय में वापस आई। और इस कार्यक्रम में जो हमारी टॉप 10 छात्राएं थीं, उनको भी पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया।